ये तुम नहीं, ये तुम्हारी उम्र बोल रही है। एक जमाने में हम भी जवान थे, जवानी हम पर भी छाई थी, हमने भी ऐसी कई फैंटेसीज पाली थी, लेकिन अगर मैं उन फैंटेसीज में उलझा रहता तो आज ये फेरी टेल वाली जिंदगी नहीं देख पाता। मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस की, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस। मैं कई ऐसे मोड़ पीछे छोड़ आया हूं जो उस वक्त देखने में तो बहुत सुंदर लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता भटका सकते थे। डैडी, डिपेंड करता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। वैसे भी आजकल के बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत आगे चल रहे होते हैं, पर आप जिन मोड की बात कर रहे हैं ना डैड, ऐसे कई मोड में अमेरिका में छोड़कर आया हूँ, क्योंकि सांची जी ही मेरा आखिरी स्टॉप है। मुझे मेरी लाइफ की फेरी टेल मिल गई है। तो लड़की तुमसे उम्र में 7 साल बड़ी है, तो ना तुम्हारे स्टेटस और ना ही तुम्हारे सर्किल की, फिर कैसे तुम उसे अपना लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हो? हाँ? ठीक उसी तरह डैड, जैसे मॉम ने आपको चुना। आप भी तो स्ट्रगल कर रही थी, उनके सर्कल से और उनके सोशल स्टेटस से आप भी कम थे, फिर भी नानी जी ने आपको चांस दिया और आपने प्रूफ करके दिखाया। प्लीज डैड, प्लीज मुझे और सांची जी को भी एक मौका दीजिए, प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार इस पूरे सिचुएशन को एक अलग एंगल से अप्रोच करके देखिए। एक बिजनेसमैन की नजर से नहीं, एक डैड की नजर से देखिए। ये मानकर देखिए कि आपका बेटा एक लड़की से प्यार करता है और आपको उसे मिलवाना चाहता है। आपका वो बेटा जिसने आज तक आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, आपके दिए हुए हर टेस्ट को पास किया है। अगर आज वो बेटा अपनी जिद पर अड़ गया है, कोई तो रीजन होगी ना। प्लीज डैड, आई रियली लव यू। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप हमें एक मौका देंगे? ठीक है, मैंने अपना नजरिया बदल दिया। आज तुम्हारे लिए मैं सिर्फ डैड हूं, तुम मेरे बेटे हो। और जानते हो मैंने क्या देखा? क्या? मेरा बेटा, बीवी, जिसे बचपन से लेकर आज तक कोई भी चीज हासिल करने के लिए रत्ती भर मेहनत नहीं करनी पड़ी, और स्टडीज, अमेरिकन इंटर्नशिप, फास्ट कार्स, द बेस्ट क्लोथ, डिजाइनर वॉचेस, एवरीथिंग, नाइट क्लब, पार्टिंग, पबिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग अवेलेबल। क्यों? क्योंकि उसके डैड ने उसे सब कुछ दिलाया बिना उसकी किसी मेहनत। और आज उसका वही बेटा अपने उसी डैड से एक ऐसी चीज मांग रहा है, एक ऐसी चीज के लिए जिद कर रहा है जो उसका डैड उसे दिलाना नहीं चाहता। तो ठीक है डैड, अब नहीं दिलाना चाहते ना, नो प्रॉब्लम। अब मैं इतना बड़ा तो हो गया हूं कि कुछ चीजें खुद हासिल कर सकूं। थैंक्स फॉर योर टाइम। डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि बात हाथ से बाहर जा चुकी है। दीदी, टीवी, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि मैं आप ही का बेटा हूं। एक बार बेस्ट चीज पर नजर टिक जाए तो मैं सेकंड बेस्ट चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और फिर ये तो सांची जी है, बेस्ट से भी बेटर। ठीक है, जाओ लेकर आओ अपनी इस बेस्ट से बेटर लड़की। भाई, हम भी अपने बेटे की पसंद से मिलना चाहेंगे। डैड, हमारा पापा हूं, अगर तुम किसी चीज की इज्जत करते हो तो हमें उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और इस दुनिया में अगर कोई भी चीज तुम्हें चाहिए उसे मैं नहीं दूंगा तो और कौन देगा? हम फाइन, तो कॉल सांची, मैं मिलूंगा उससे। लव यू डैड। लव यू टू बेटा। फिर जा रहा है कीमो, लेकिन इस बार मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। यू कीप काउंटिंग, मैं बस यू गया और यू आया। आई लव यू मॉम, लव यू। यस यस यस, सांची जी मैं आ रहा हूं। अच्छा सुन, इसमें से ज्यादा नहीं, कोई भी दो फ्रूट्स भी अगर तू खा लेगी ना, मेरी वो जो पिंक वाली साड़ी है ना जॉर्जेट की, जो तुझे पसंद है वो दे। और अगर मैं सारे खा जाऊं तो फिर तुझे जितनी साड़ियां चाहिए तू ले सकती है, मेरे सूट्स भी ले सकती है, सब ले सकती है। क्यों अजी अब ये क्यों लेकर आई? वो खा रही है। ये तेरे लिए है अजी। नहीं, मेरा मन नहीं। अपने लिए नहीं, मेरे लिए खाओ सांची, प्लीज। मन नहीं है सच में सांची। लड़ाई डीवी से है, अपने स्वास्थ्य से नहीं। कल से कुछ खाया पिया नहीं है तूने? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। बेटा बूढ़ी आंखें कागज नहीं पढ़ पाती है, लेकिन मन के अंदर झांक सकती है। बड़ा उस वक्त दिव्य के साथ तूने जो रिएक्ट किया था ना, वो सहज था, लेकिन लड़ाई तो खत्म करनी पड़ती है। देखो सांची, मैं ये नहीं कहती कि तुम दिव्य से समझौता कर लो, लेकिन शांति से उसके साथ बैठकर सारा मामला समझ लो और बाद में डिसीजन लो। जैसे प्राची के लिए पपीता खाना अब ठीक नहीं है ना, वैसे तेरे लिए नाराज रहना ठीक नहीं। दिव्य से मिलके उसकी बात तो समझ, नहीं ठीक लगे तो भूल जा, और ठीक लगे तो उसे माफ कर दे। इसमें से दो फ्रूट्स खा लो, और मेरी अलमारी में तेरी माँ ने साड़ियाँ रखी है, उनमें से 2-3 ले लो। और मैंने सारे फ्रूट्स खा लिए तो नानी के अलमारी में भी साड़ियां हैं, उसकी चाबी मैं तुझे दे दूंगी, तुम ले लो, जितनी चाहे उतनी ले लो। अब इसको जो बेबी होने वाला है वो हमारी फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होगा। अब तक तो सबसे छोटा मैं ही था ना, इसलिए आदू, चाहे एक बेबी आए या 2 बेबी आए, हम सबके लिए तू ही सबसे छोटा रहेगा, समझा छोटू? देखो ना जी। हाँ जी, तेरे बेबी को ना मैं इतना तंग करूंगा ना, जैसे सब मुझ पे यहाँ पे बॉस करते हैं ना, उसी तरह, समझी? अच्छा तू है ना मेरे बेबी को कुछ नहीं करेगा, और अगर तूने मेरे बेबी को बुली किया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ए, देख लेंगे। पता है तू कितनी लेजी है, तू अपने बेबी को यहाँ पे छोड़ेगी और घर पे जाके सो जाएगी। मिस लेजी। तेरा फोन फेंक दूंगा। स्टॉप, आदू अभी उसके साथ ऐसी खींचातानी मत करो। तू बैठ, नीचे बैठ, चल चुपचाप। आदू स्टॉप इट। अजय ने क्या कहा सुना? या तो ट्रीटमेंट करना यूट्यूब, और वैसे भी बेबी के लिए लड़ाई वाला माहौल ठीक नहीं है ताई, इसलिए आप भी प्लीज दिव्य के साथ लड़ाई खत्म कर दो। आप प्राची सही कह रही। मेरी डायरी के बचे 3 पन्ने, इनमें मेरी आखिरी 3 इच्छाएं हैं। एक पन्ना तो प्राची ने पूरा कर दिया, अब तेरी बारी है। इस साल तुझे विदा करना है दिवी के साथ। मेरा दिल कहता है वो सच्चा और अच्छा लड़का है। अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। ये मेरी प्यारी प्राची के लिए केक मैंने बनाया है। सांची, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, अभी भी बोल रही हूँ, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ो और टीवी को माफ कर दो। दिल्स कोई भी और बात होती ना तो मैं माफ कर देती टीवी को। वो जानता है कि पापा की जमीन, उनका सपना कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। और तुम भी जानती हो सांची कि वो ये बात जानता है, इसलिए तो तुम्हारे केस के लिए इतने एफर्ट्स लिए उसने। सांची, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो जमीन तुम्हारे पापा का सपना है तो डीवी के पापा का भी वो सपना है, लेकिन वो अपने पापा का सपना तोड़ने के लिए तैयार है क्योंकि वो सच्चा है और ईमानदार है, इसीलिए अपने पेरेंट्स से बात करने गया है। बस एक बार, एक और चांस दे दो उसे प्लीज। जी, ये पक्का टीवी का फोन है। साची, फोन उठाना पड़ा, बात करो उससे। साची, साची प्लीज टॉक। प्लीज ताई, बात मान जाओ। ताई प्लीज उठा लो। सांची जी, आपने फोन उठा लिया, थैंक गॉड। बोलो। सबसे पहले ना आप अपना कॉलर ट्यून चेंज कीजिए, सुनकर ना पूरा याद आ गया। अच्छा, आप फ्राउन मत कीजिए, बुरी आदत है। तुमने ये बोलने के लिए फोन किया है? हाँ, ये कहने के लिए फोन किया था। पर एक बात और है। बोलो। तैयार हो जाइए, मैं आ रहा हूँ आपको लेने। डैड मान गए। सच? ऑफ कोर्स सच। मेरी हिम्मत है क्या ऐसी बात को लेकर मजाक करने की? तैयार हो जाइए मेरी दुल्हन बनने के लिए। मैं आ रहा हूँ सांची जी, मैं आ रहा हूँ। आई लव यू। दीवी के डैड? हाँ, वो राजी हो गए। सच? What? दीवी मुझे लेने आ रहा है, दीवी मुझे लेने आ रहा है। अरे वाह। हेलो, अच्छा सुनो सुनो दीदी, तुम आराम से ड्राइव करना और जल्दी आ जाओ मेरे पास। वाह सांची जी, आराम से चलाओ और जल्दी आओ, ये इंस्ट्रक्शन ना सिर्फ आप ही दे सकती है। सांची जी, मैं आ रहा हूँ। आराम से जल्दी आ जाएगा। आज का दिन कितना अच्छा है दाई, थोड़ा आराम से। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज की सबसे बड़ी न्यूज़ आपकी। नहीं, तूने जो न्यूज़ दी है ना, उससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। प्राची, तेरा होने वाला बेबी हम सब के लिए बहुत लकी है। God bless you. Thank you, thank you. अरे मिस्टर मेहरा, आप तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक मैंने कोई भी अच्छी डील छोड़ी है। हाँ हाँ, डोंट वरी, रिलैक्स। ऑलराइट। आप कभी कोई बुरी डील करते नहीं हैं और अच्छी डील छोड़ते नहीं हैं, तो फिर आप इस लड़की सांची से मिलने के लिए कैसे राजी हो गए? क्या आप मेरे डिसीजन पर डाउट कर रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि मैं हैरान हूँ, आप इस लड़की से क्यों मिलना चाहते हैं? ये लड़की हमारे स्टेटस की नहीं है और उम्र में भी डीवी से कितनी बड़ी है वो। आप किचन में बन रहे डिनर पर ध्यान रखो, मेरे मामले में दखल मत दो। लेकिन यश, जरा सोचिए तो, डीवी उस लड़की का नाम जी लगाए बगैर ले भी नहीं सकता, तो फिर वो शादी करके कैसे जिंदगी गुजारेगा उसके साथ? तुम ऑफिस में मेरी बीवी की हैसियत से आई हो। जब मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करता, तो तुम्हें मेरे काम में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी सक्सेसफुल मैरिज का यही एक मंत्र है, इसे मत छोड़ो प्लीज। रेडी हो गए आप? हाँ हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है ना? ताई, अगर आप किसी स्कूल में टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल परफेक्ट, पर डीवी के घर के लिए नहीं ताई। अरे लेकिन रोज तो मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ ना। लेकिन ताई, आज का दिन कितना स्पेशल है, और वैसे भी आप ऐसे रेडी होते हो मामूली जगहों पर जाने के लिए, पर डीवी का घर कोई मामूली जगह तो है नहीं। ताई, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, और आप ऐसे जाओगे तो कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे ताई? एक मिनट प्राची, मैं जैसी हूँ उन्हें मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हाँ, बाद में धीरे धीरे मैं भी उनके रंग में ढल जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे ऐसे ही जाना चाहिए, है ना? जिंदगी भर के रिश्ते की बुनियाद हम झूठ पर नहीं रख सकते। ओफो ताई, ये सच और झूठ को लेकर अगर आप इतना स्ट्रिक्ट रहोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। झूठ से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। और फिर मैं क्या करूं? मेरे तो नाम में ही सच है ना। अरे बाबा, तो चिंता मत कर, सच कभी नहीं हारता। मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए। ओके। डैड, आप डीवी को रोकने के बजाय उसे एनकरेज क्यों कर रहे हैं? सांची हमारे घर की बहू बनने की लायक नहीं है। एक घटिया छोटे से मिडिल क्लास घर की लड़की है वो, छोटे शहर की। धब्बा लगेगी हमारे घर पे, धब्बा। अनवय, टीवी देखा करो बेटा, टीवी। दाग धब्बों से डरने की कोई जरूरत नहीं। धब्बों की सफाई बहुत आसानी से की जा सकती है। Don't worry. How can I not worry, Dad? आफ्टर ऑल ये हमारी फैमिली और उसकी इज्जत का सवाल है। ओह, ये फैमिली स्टेटस, डैड का रेपुटेशन, ऑल दिस, बस इसी की वजह से तुम बीवी से पहले मुझे एयरपोर्ट से लेने के लिए पहुंच गए, राइट? जब तुमने अपनी रैश ड्राइविंग की वजह से वर्ली पर इतना भयानक एक्सीडेंट किया था, तब तुम्हें अपनी डैड की रेपुटेशन या फैमिली स्टेटस का ख्याल नहीं आया। हाँ, दुकान में मैं जानता हूँ तुम्हें, अनुभव, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है। आई नो हाउ योर माइंड वर्क। इट्स नॉट अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन। तुम्हारे और डीवी के बीच का कॉम्पिटिशन। डीवी से बचपन से लेकर आज तक जो तुम्हारे मन में कॉम्पिटिशन है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। तुम उसके हर काम में अड़ंगा लगाना चाहते हो। डैड, रिलैक्स। मैं जानता हूँ तुम्हें, मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि डीवी का दिमाग कैसे काम करता है। यू लाइक मनी, तुम पैसा चाहते हो, विच इज ग्रेट थिंग। डीवी जज्बाती है, इमोशनल है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। लेकिन एक बात, अगर डीवी ने एक बात ठान ली, वो करके दिखाए। वो बहुत होशियार। डीवी हैज टू बी हैंडल्ड विद केयर एंड कॉशन। वो काम मैं करूंगा, मुझ पे छोड़ दो। आजी, मैं आ गया। जीते ध्रुव, डॉक्टर भी राह देख रहे हैं।